सत श्री अकाल दोस्तों, चैनल फ्रंटलाइन पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। हुणे हुणे 6 फरवरी के किसानों के चक्का जाम तो पहला केंद्र तो आई ये बड़ी खबर। किसानों का चल रहा खेती अंदोलन नित नवे तरह के कई पैगाम जारी कर रहा है, जिसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों तो खेती अंदोलन में आने वाले लोगों का बड़ा वाधा दर्ज किया गया, जिस नाल हुण इस अंदोलन को होर ज़्यादा बल मिल चुका है। किसानों वालों अपने संघर्ष को तेज किया जा रहा है। किसान जथेबंदी के आगुओं वालों दिल्ली दी सरहदों उपर एकत्र होए तमाम लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की। इस दे नाल ही उन्होंने आख्या कि सरकार वालों खेडी जाती चालबाजी तो भी सानू बच के रहना पवेगा। अपने इस अंदोलन के संबंध में किसान आगुओं वालों 6 फरवरी को पूरे देश भर में चक्का जाम करन दा ऐलान किया जा चुका है। इस ऐलान तहत पूरे देश अंदर दोपहर 12 बजे तो लैके दोपहर 3 बजे तक 3 घंटे वास्ते चक्का जाम किया जाएगा। जिक्रयोग है कि 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड तो बाद किसानों वालों किया गया यह दूजा बड़ा ऐलान, जिसनों हुण तक कई लोगों ने समर्थन दे दिता। इस संबंध में दिल्ली वीरवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर श्रीवास्तव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल संसद भवन विखे गृह मंत्री अमित शाह मिलने पुजे। गौरतलब है कि किसान अंदोलन 6 जनवरी को किए जाने वाले चक्का जाम के संबंध में किए जा रहे ट्वीट्स कारण पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा होया, जिस कारण देश में सुरक्षा बनाई रखने एक मीटिंग अहम मनिया जा रहा है। इस मीटिंग दौरान कई तरह के अहम फैसले लिए जाएंगे, जिन्हों का संबंध 6 फरवरी को किए जाने वाले चक्का जाम नाल हो सकता है। दस दईए कि केंद्र सरकार वालों कई तरह की पाबंदियां लगा के किसानों सरहद उपर ही डक्या होया है, पर किसान अपनी मंगा मरवाउण दे लई हर तरह के तसीहे झलते हुए शांतमई ढंग नाल प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नवी खबर के नाल। तद तक लई सत श्री अकाल।